हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू एंड हियर आई वुड लाइक टू जस्ट डिस्क्राइब द पावर ऑफ वर्ड्स दैट यू पर्टिकुलरली यूज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर इंटरव्यू जी हां जिस समय आपका इंटरव्यू चल रहा होता है उस वक्त आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं अपने एंसर्स में इससे आपके इंटरव्यू के इम्प्रेशन पे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तो हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही प्रयत्नशील तरीके से इसको सीखना है कि किस किस कॉन्टेक्स्ट uh, में हम कौन कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो इंटरव्यू आंसर है दैट गेट्स मोर वेटी एंड ऑफ कोर्स मोर इम्फेटिक इन ऑलमोस्ट ऑल रिस्पेक्ट टू इम्प्रेस आवर इंटरव्यूअर्स let us see words have power to impress of course many people have said it earlier also words have a power to impress and no one can deny this fact of course it is a universal truth that if you use good series of words effective words of course they impress uh, very fast they impress uh, most of us because we love having suitable words into the right context हमें सही तरीके से अच्छे शब्द जिस संदर्भ में यूज़ करने हैं अगर हमको वो करना आता है तो हम अपने इंटरव्यूअर्स पैनल को बड़े आराम से इम्प्रेस कर सकते हैं वर्ड्स रिलेट टू प्रोमिनेंट आइडियाज़ में जो इंटरव्यू में हम जो बोलते हैं जो हमारे प्रोमिनेंट आइडियाज़ होते हैं उनसे हमको वर्ड्स सही तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम अगर हमें जो सुटेबल वॉक्यलरी पता है जैसे मान लीजिए मैं किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ या बैंकिंग का इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अगर मुझे बैंकिंग इंडस्ट्री के वो प्रोमिनेंट वर्ड्स पोटेंशियल वर्ड्स पता हैं तो मैं उनसे बेटर कनेक्ट कर सकता हूँ और मैं अपने प्रोमिनेंट आइडियाज़ उन वर्ड्स को यूज़ करके जब बोलूँगा तो ऑफ़कोर्स इट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस माई इंटरव्यू पैनल फॉर एंड वाइड वर्ड्स एक्सपोज योर ओन एक्सपोजर एंड एजुकेशन ऑफ़कोर्स हमें ये जो हमारे वर्ड्स को यूज़ करने का तरीका है इससे हमारे खुद के बारे में हमारी खुद की पर्सनैलिटी के बारे में

वर्ड्स कैन डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिजनेस सिचुएशन ऑफ़ कोर्स आपने देखा होगा कि किसी भी एक स्पेसिफिक बिजनेस को सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स को आ, आना चाहिए जैसे कि मान लीजिए अगर बियर है बुल है ये जो शेयर मार्केट के वर्ड्स हैं अगर हम शेयर मार्केट की कंडीशन को सही तरह से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें वो प्रोमिनेंट वर्ड्स पता होना चाहिए तभी हम उस सिचुएशन को कंपनी की सिचुएशन को हम सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं वर्ड्स कन्वे एन इम्प्रेशन ऑफ योर यू एंड योर एबिलिटीज़ जो वर्ड्स हैं वो आपके इम्प्रेशन और आपकी एबिलिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट तरीके से लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑलवेज़ कीप गुड वर्ड ग्रुप इन माइंड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन हमें एक व कोई भी चीज़ हमको सिचुएशन कोई भी बात डिस्क्राइब करनी है हमने किसी कंपनी में काम किया किस पोर्टफोलियो में काम किया जो भी चीज़ हमें डिस्क्राइब करनी है उसके उसमें यूज़ होने वाले जो प्रोमिनेंट और पोटेंशियल वर्ड हैं उनको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए जब हम कोई आंसर देते हैं इंटरव्यू में या कुछ भी चीज़ हम इंटरव्यू रूम में डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्स प्रजेंटिंग पैशन फॉर जॉब ऑफ कोर्स सबसे पहले हम ऐसा कैंडिडेट चाहते हैं इंटरव्यू में जो कि अपने जॉब को लेके बहुत पैशनेट हो जिसके अंदर बड़ी लालसा हो जिसके अंदर बड़ी उमंग हो कि वो uh, इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हो ही इज़ अ रेडी गो गेटर ही इज़ हाईली एनर्जेटिक ही इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट जॉब तो वो हमें कैसे पता पड़ेगा हाउ वी कैन डिस्प्ले दिस वैन यू आर अपीयरिंग एज अ कैंडिडेट इन द इंटरव्यू ऑफकोर्स वी शुड यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स इन द एंसर्स लाइक एनर्जाइज्ड यू नो वेन आई गॉट Uh, when I got into this uh, office environment for this particular interview, of course I got energized, enthusiastic. I'm very enthusiastic about this po position and opening available in your company. Then I'm highly interested. I'm very much intense about getting you know roles and responsibility. I feel highly motivated. Priority. I have got certain priorities in my life on my professional front also. I want to win. We believe in win-win situation. I don't believe in win-lose situation. इस तरीके से ये वर्ड्स हम जब यूज़ करते हैं तो हमें लगता है कि ऑफ कोर्स अ कैंडिडेट हैज़ गॉट पैशन फॉर जॉब तो इस तरीके से अलग अलग पोर्टफोलियो में हम अलग अलग वर्ड्स को यूज़ करेंगे और मैं तो सिर्फ एक आपको एक एक सैम्पल के तरीके पे ये बता रहा हूँ यू कैन वर्क इट आई करॉस एंड कोर्स यू कैन मेक योर वॉकअप स्ट्रॉन्ग ये वर् वॉकएप बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए इंटरव्यू रूम में वर्ड्स रिप्रेजेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोज हमने कुछ रिस्पॉन्सिबल काम किया अपनी कंपनी में कुछ ऐसा पोर्टफोलियो हैंडल किया कुछ ऐसा प्रोफाइल किया कुछ ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल किया कुछ ऐसा हमने ग्रुप बनाया कुछ टीम बनाई हमारे कुछ अचीवमेंट्स रहे उस टीम के और उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट डिस्प्ले करना है सो आई मस्ट यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आई हैव एनलिस्टेड ओवर हीयर लाइक ए कोऑर्डिनेटेड डिटेल्ड ओरिएंटेड i found it effective. we all were very efficient. we all maintained. we just, you know, met the deadline. due to lot many constraint, we put our hard efforts and we met the deadlines. we did it on time. we reorganized the entire structure of our working and then we just did it successfully. we were all good team, team players. i got a practical approach and uh, we all were prepared for the odds to come. ऑफ कोर्स यू नो nobody provided, you यू नो द एस्पायर्ड हेल्प और एक्सपेक्टेड हेल्प वी जस्ट रीआरगेनाइजड और एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ इट वी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी डिड इट वी गॉट यू नो वेरी वंडरफुल रिजल्ट ऑफ इट वी गॉट इट रिजल्ट ओरिएटेड तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस को अपने आंसर में आप यूज़ करेंगे और उसका आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है क्योंकि वर्ड्स हमें डायरेक्ट सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं और इन एब्सेंस ऑफ potential words of course whatever situation you describe it is not that impactful words that demonstrate leadership quality of course every company wants the candidates have leadership qualities so one of the top 10 most recognized qualities what employers uh, need uh, what employers of the day need it so फर्स्ट लीडरशिप क्वालिटी कैसे डिस्क्राइब होगी वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिससे हम अपना लीडरशिप क्वालिटी को एक्सप्रेस करेंगे या बताएंगे लाइक वर्ड्स लाइक एक्सलरेट व्हेन यू एक्सलरेट द एंटायर प्रोसेस एक्सलरेट मींस किसी चीज़ को बहुत तेज कर देना फासन कर देना फास्ट कर देना अकम्पलज्ड वी ए अ वेरी हैवी वेरी प्रोफाउंड वर्ड ए बिल्ड वी बिल्ट अ स्ट्रक्चर वी बिल्ट अ न्यू न्यू Uh, new way of doing it or achieving it we coordinated lot many activities together deliver develop handled initiative yeah it's a very powerful potential word you must use this in your answer when you are describing your leadership role or leadership quality during your interview answers initiative what all initiative you did take out there innovative you have been innovative in terms of your approach okay you did not go for a customary did not follow the you know beaten track you just took a new initiative in it you innovated the entire pattern of doing it negotiated wonderful word you negotiated for your own benefits for your company benefits you made a new plans okay plan is a very heavy word very you know thoughtful word very strategic word to use then resolved how you got resolved all the problems which were existing then and there

already worked, then use the words that reflect company values. अब हम जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आए हैं वहाँ का भी एक अपना buzzword वर्ड है वहाँ के भी कुछ of ऑफ वर्ड्स हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करके चलना है For example, if you talk about fashion industry फैशन इंडस्ट्री तो वहाँ के अपने वर्ड्स होते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट बैंकिंग इफ़ यू टॉक अबाउट फाइनेंस इफ़ यू टॉक अबाउट अकाउंट्स इफ़ यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनी तो इन सारे का ऑटोमोबाइल सेक्टर एविएशन सेक्टर ठीक है इन सारे जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं यहाँ के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो कि इन इंडस्ट्री में काम करने वाला या जानकार आदमी ही उन वर्ड्स को यूज़ करेगा एंड इफ़ यू स्पेसिफिक बिलोंग टू स्पेसिफिकली बिलोंग टू एविएशन इंडस्ट्री ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू यूज़ प्रोमिनेंट फाइव सेवन वर्ड्स विच अ कॉमन पर्सन हु डज़ नॉट हैव एन एक्सपोजर ऑफ एनी एक्सपोजर ऑफ दिस एविएशन इंडस्ट्री विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट एट ऑल सो ऑफकोर्स दीज आर द वर्ड्स दैट मेक यू ऑल टूगेदर वेरी मच एम्फेटिक इन टू द एरिया यू आर ट्राइंग टू गेट अ जॉब सो ये आपको वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे रिफ्लेक्ट कंपनी वैल्यूज ऑफकोर्स वो हमें जो वर्ड्स होते हैं वो हमें लर्न करने चाहिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के अपने वर्ड हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अपने वर्ड्स हैं एम बी ए में जैसे एच आर के ह्यूमन रिसोर्स के अपने वर्ड हैं है ना फाइनेंश के अपने वर्ड हैं आप देखिए Uh, ये आईटी के आईटी वर्ल्ड के अपने वर्ड्स होते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन आईटी जॉब ऑफ कोर्स आपको वो वर्ड्स अपने इंटरव्यू में लाने ही पड़ेंगे देन ओनली विल बी टेकन एज अ सीरियस कैंडिडेट एंड यू नो टेकन एज अ कैंडिडेट हैज एनफ इन्फॉर्मेशन इन डेफ्थ इन्फॉमेशन इन ऑफ योर इंडस्ट्री एज वेल एज ऑफ योर प्रोफाइल वॉच यू ट्यूब्स ऑफ द कंपनी आप जिस कंपनी में जान रहे हैं इंटरव्यू के लिए उसके आप खूब सारे यूट्यूब्स देखिए या उससे रिलेटेड सेक्टर के खूब सारे यूट्यूब्स देखिए और इनके एंस उसके वर्ड्स को जो प्रोमिनंट वर्ड्स हैं जिससे कि कोई अच्छा स्पीकर या एक्सपर्ट उन अफेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है उनको यू कीप राइटिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर देन लिसन टू द ऑडियो सेमिनार्स उनके जो ऑडियो सेमिनार्स हैं वो भी आप ध्यान से सुनें दैन कैच फ्रेजिज दैट आर यूज फ्रिक्वेंटली इन द इंटरनल कम्युनिकेशन वो फ्रेजेज कैच करने की कोशिश करें जिससे ये लोग इंटरनली जो बात करते हैं आपस में डिस्कशंस हैं मीटिंग्स हैं जिस क्योंकि यूट्यूब्स पर अवेलेबल हैं दिस विल मेक अ सटल पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ कोर्स इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है कलेक्ट सच वर्ड्स एंड फ्रेजेज फ्रॉम कंपनीज अबाउट मी है ना आपने देखा होगा किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर अबाउट मी पेज होता है अबाउट द कंपनी पेज होता है आप उसको जरूर क्लिक करें उसको पूरा ध्यान से पढ़ें और जो मेन मेन वर्ड्स जो उस कंपनी को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं उस कंपनी की वैल्यूज़ को बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं उसको आप नोट डाउन करें उसको खूब बोलने की हैबिट डालें इट विल नॉट ऑटोमेटिकली हैपन ऑफ कोर्स और इंटरव्यू रूम में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो आप जानते भी हैं उसका भी फिफ्टी रह जाता है आपके पास तो ये आपको लगातार खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस वर्ड्स की यू हैव टू बी अ वर्ड जगलर यू हैव टू जस्ट बिहेव लाइक अ जगलर ऑफ वर्ड्स आपने जगलर माने वर्ड्स का जगलर का मीनिंग जानते हैं आपने देखा होगा जो एक जगलर होता है जो बॉल्स उछालते हैं तीन थ्री बॉल्स फोर बॉल्स एंड दे ऑल जस्ट कीप टॉसिंग दम अप नॉट अ सिंगल बॉल फॉल्स डाउन द अर्थ सो दैट इज़ अ वर्क ऑफ अ जगलर दैट कीप्स रोटेटिंग ऑल द बॉल्स सक्सेसफुली तो आपको खूब सारे वर्ड्स को जगल करना है ठीक है दिस विल मेक अ सटल एंड पॉजिटिव इम्प्रेशन सटल मीन्स बहुत ही हल्का सा इंप्रेशन बहुत ही बारीक सा इम्प्रेशन जो कि आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते ऑफकोर्स यूजिंग द वर्ड ऑफ द इंडस्ट्री यू कैन कंफर्टेबली एंड यू नो कॉन्फिडेंटली मेक इट कलेक्ट सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्राम कंपनीज अबाउट मी पेज आप अबाउट मी पेज पर जाकर के की इसे चीजें कर सकते हैं दिस विल हेल्प इंटरव्यूअर्स नो देट यू अंडरस्टैंड वॉट दे आर लुकिंग फॉर और तभी आप अपना जो आंसर है जो अपनी बातें हैं वो सही तरीके से डायरेक्ट कर पाएंगे सही तरीके से अलाइन कर पाएंगे एंड ऑफकोर्स दे इन्जॉय लिसनिंग यू सो इट इज़ अ वंडरफरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट आवर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यूज वर्ड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर्ड बिकॉज वी जस्ट सी द थीमेटिक वैल्यू ऑफ़ द स्क्रिप्ट वी सी द थीमेटिक वैल्यूफ़ यू डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स एंड मॉडल्स टू ओन द अपॉर्चुनिटी यूज़ इंडस्ट्री बज़ वर्ड्स एंड जारगन्स हर इंडस्ट्री कुछ बज़ वर्ड्स होते हैं कुछ उस इंडस्ट्री कुछ जारगन्स होते हैं लाइक मेडिकल इंडस्ट्री इफ यू टॉक अबाउट इफ यू टॉक अबाउट फार्मा इंडस्ट्री ठीक है ये सारे के अपने अपने एक वर्ड्स हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का अगर आप देखिए पूरा एग्रीकल्चरल का लैंड का देखिए तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके पूरे अपने वर्ड्स हैं स्पेसिफिक वर्ड्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री देखिए वहाँ के अपने वर्ड्स होते हैं ईच इंडस्ट्री कम्स विद इट्स ओन बज बज़ वर्ड्स इफ यू बिलोंग टू दैट इंडस्ट्री और यू आर जस्ट

तो जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यू में इंटरव्यू के रूम में बैठ के कंपनी के जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपने ऑलरेडी यूट्यूब से अबाउट मी पेज से या और आपने सर्च करके एक्सप्लोर करके आप वही वर्ड्स बोल रहे हैं इफ़ यू आर इन फैशन इंडस्ट्री इफ यू आर इन मॉल्स सो इफ आर इन रियल रियलिटी सेक्टर रियल सेक्टर रिटेल सेक्टर तो आप इन सेक्टर में जब बैठ के उन्हीं के वर्ड्स बोलेंगे ऑफकोर्स आप अपने से लगेंगे एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट ऑन यू एज अ कैंडिडेट

So thank you very much for being patient listener this was uh, presented to you by communication concepts and techniques and you are requested to please subscribe the channel in order to have the endless series of such kind of videos for your uh, inter interview preparation of course that's a most prominent activity of our life and i hope you found this video useful this was a new direction of you know aligning this entire talk because it is important to understand the jargons the words of any industry and that you need you are supposed to just speak it up during the course of your interview of course it, it, it makes a great impact on the interview panel of course it ensures your success to a larger extent thank you very much